ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के शास्त्री नगर से, किस तरह से देख सकते हैं एक महिला को जो है यहाँ से पकड़ा गया है चोरी करते समय। जी हाँ, चोरी की है इस महिला ने, कहीं ना कहीं नशा भी जो है वो किया हुआ है। पुलिस की टीमें जो हैं यहाँ से ले जाती हुई इस महिला को नजर आ रही, साथ ही साथ एक लड़का भी था ऐसा बताया जा रहा है, एक लड़का भी था और साथ में देख सकते हैं इस महिला को यहाँ से ले जाती हुई नजर आ रही है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा है, क्या कुछ पूरा मामला है वो भी जानने का पड़ा। आपके घर में घुसी थी जी? मेरे घर में क्या हुआ था जी? बेटे मैं रोटी दे के गई हाँ। रात भी इतने रोटी खाई है, सवेरे भी बीबी में रोटी दे हाँ। थोड़ी दूर आए थे एक बुढ़िया बैठी है, पा जे मैं रोटी देन चली गई, अगे भी आ जाती है, मैं फोन चार्ज और मेरे अंदर नहीं घुस सकता, अगे भी आता है, अजय नाम है उसका। अच्छा, इन्हें की करया है अपना चुप करके ना दे भांडे बर्तन अंदर तरन गई, मैं फोन चार्ज लाया बड़े वाला मेरा फोन है, मेरे मरे जींदे ते प्रूफ और फोन च एदा काम पता की है, ए पार्टियां लवांदी है, एक जसबीरी सुमन, एक पंडतानी है 9 नंबर गली च, एक बिंबला है ओ परा रहंदी है मंदर को, एक अमरजीत तरौड़ी दी, ए सारिया दे नाल रल के ना पार्टी लांदी है, यहीं पे रहती है। हाँ इत्थे रहंदी है जी, अपनी भैन दे घर पैसे दिंदी है, चौथे दिन 20,000 रुपया लेंदी है अपनी भैन दे घर पैसे दिंदी है, भैन ते जीजा ने, एदा यही काम है चोरियां करनियां, घट तो घट इदू पहला इन्हें मेरे अंकों सामने ने अट पून चुक लेने, शराब भी पीती है, बड़ी शराब पींदी है जी। आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची थी, पुलिस से भी जानकारी ले लेते हैं। सर क्या कुछ जानकारी मिली थी आप यहाँ पे पहुंचे थे? सर जी हमारे को वीटी आर कॉल आई थी कि यहाँ पर हमारे घर में एक महिला है जो 30 से 32 साल की उम्र है, उन्होंने ड्रिंक कर रखा है, पहले हमारे घर के पास देखी गई वो, और घर के अंदर घुसी अचानक से, एक लड़का और उसके साथ था तो भाग गया है, लेकिन इसने हमारे घर से एक मोबाइल टच फोन जो 15-20 हजार का था उठा लिया है और कहीं छुपा दिया है। मौके पे हम आए, यहाँ पर हमारे को महिला अकेली मिली, फिर हमने महिला का मैटर होते हुए दुर्गा शक्ति को बुलाया, अभी दुर्गा शक्ति उसको लेकर के गाड़ी में पीएस रामनगर को चली गई, वहाँ पे पूछताछ किया गया। तो क्या यहीं पे रहती है महिला, आसपास ही रहती है? नहीं, महिला यहीं पे नहीं रहती, ये कहीं बाहर की है, ये तो अभी देखी गई है। तो चोरी के इरादे से आई थी? हाँ चोरी के इरादे से। फोन नहीं उठा रहा। लड़के की उम्र कितनी थी जो इसके साथ थे? वो भी होगी 30-32 साल उम्र होगी इसकी भी, 35 साल। तो पहले भी कभी कुछ करती है ऐसी महिला? हाँ इन्हें कहीं फोन उठाया है। कितने फोन चोरी हुए हैं पहले? पहले कम से कम। तो पहले किसी ने कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट कोई की करे, कभी किसी का कहीं बैग देते कहीं बैग देते, कम ही है वे। यही महिला थी। तो कोई नशा वगैरह करती है? नशा, सिगरेट, दारू, सुल्फा, गांजा सब पीती है, स्मैक सब पीती है जी। किसी के साथ डुप्लीकेट चाटी कर ली तो 4 दिन मारा ही, अगले का सारा सौदा साफ करके चोरी करके फिर आ गई। ये काम इसका? अच्छा, डुप्लीकेट शादी रचाती है बहुत ज्यादा। इसकी बहन भी इसके साथ ही है, 4 लेडीज हैं जो उनसे ये काम करती है, कोई पता माता को। अब देख सकते हैं कोई लेडीज और भी शामिल हैं इस मामले के अंदर, कुछ और महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहां पर इकट्ठा जरूर हुए हैं, और साफ तौर पर कहना है कि किस तरह से घर के अंदर घुसती है वो महिला और मोबाइल को चोरी करके दूसरे बार खड़े लड़के को पकड़ा देते हैं, जिसके बाद डायल 112 को भी बुलाया गया। जी हाँ, डायल 112 को भी बुलाया गया, और जिनके घर से फोन गया। माता जी क्या आपका जरूरी सामान था फोन में? मेरे मरे जिंदियां ने प्रूफ है बहुत ज्यादा, जरूरी सामान है। इसके परिजन क्या बताना चाहेंगे? अब देख सकते हैं रोती हुई महिला किस तरह से महिला रो रही है, और इनका फोन जो है वो महिला कहीं ना कहीं नशे में थी, नशे में होने के बाद बाहर एक लड़का खड़ा था उसे फोन थमा दिया जाता है, जिसके बाद वो लड़का लेकर फरार हो जाता है, महिला को पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल दुर्गा शक्ति यहां से लगते थाने में जरूर लेकर गई है। मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। और ये तो माता नूं पता है, पुत्र उन्होंने नाम दा मैनूं नहीं पता हैगा। तुसीं देखिया कदी उन्हां नूं इत्थे? इन्हां नूं देखिया मैं कई बार, इहदे नाल देखिया क्यों असीं बाजार वाल जांदे ने देखिया है, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਲਟੀਆਂ ਪੁਲਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ? ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ 50 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛੇ ਜੇਵਰ ਜੂਵਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਜਾਲ ਮੇ ਫਸਾਤੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ? ਨਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਲ ਮੇ ਫਸਾਤੀ ਹੈ ਲੋਕੋ ਕੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਪੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੇ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈਏ ਪਹਿਲੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈਏ ਪਹਿਲੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਤਬ ਵੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਤੀ? ਨਾ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ।
आप देख सकते हैं क्या मामला सामने आता है, एक किस तरह से फोन देखा है कि गंदा काम करे या पैसे दे या फोन दे, फिर अगले डर दे बेचारे टूट जाते हैं की करे। उत्ते एक कुत्ते आए ने ढा के बेचारे का, एक इधर इधर कुंडा प्रवीण है, ओदी मैं फोटो देखी, मैं कह नहीं तू आ फोन ओदा कितों चुक ले आई, उस मैन के लोने मेरे जराब पी सी मेरे साथ ते उसनु गाला लग भी कड़न, मैं उसका फोन ले आया हूं। मैं थप्पड़ मारे दो दिन मेरे पास पड़िया रहा, फिर मैनू तरस आ गया, मैं ले जा जी दाई ओदा दे दे या ले जा, फिर ले गई उसका बटन इन्हें दुकान रखे थी, इसका तो काम ही है भी राह चलते को पकड़ लेती है किसी को भी, और बंदे नाल रल जांदे ने, शराब पीन लग जांदी है, रेल की लाइन ते नंगी पड़ी सी, इहदी भैण उत्ते उहनूं पैसे दिंदी सारे इकट्ठे करके, ये बाल्टियां लगवांदियां ने, शराब पियांदियां ने, इहनूं भेज दिंदियां ने डोली बिठा के। क्या कौन कौन शामिल है, क्या क्या नाम है उनके? एक तो उसका ये रहिंदी है खेड़े दे कोल सुमन, एक उसकी मम्मी है जसबीरी, उसने कमरा शहर भी लिया कि दुर्गा कलोनी, मैं तो जानती नहीं केड़ी दुर्गा कलोनी, एक पंडतानी है 9 नंबर गली च, एक बिंबला है ओ विश्वकर्मा मंदिर कोल, एक अमरजीत है तरौड़ी के रहने वाली सरदारनी घर वाले का नाम जोगा है, एक आशु आशु के की उसका नाम है ग्राउंड डेगी है, ये उन्होंने थ्रू पार्टी लवादी है, चार दिन रह के डोली जाती है, फिर उतो ले आती है 20,000 रुपया, हूं इन्हें लिया है थोड़े दिन हुए अपनी भैन दे के आई है। तो कितनी शादी रचाई है इसने? इसने पता नहीं जी कोई 50 शादियां रच गई ने इसकी, तो एक थोड़ी चार दिन रही आ जाती, चार दिन रही आ जाती है, इन्हें जेडिया लवादिया ने उन्होंने भी तो पता है, अक्सर उन्होंने को पता नहीं, एक सुल्तान सुल्तान है वो नहर तो पार रहा, हूं सुल्तान ने लाई सी, हूं उस बिंबला ने लाई सी, अब क्या चाहो कार्रवाई की मांग करते हो? कार्रवाई पुत्र मैं तो नहीं है, लोगों के घर जाड़ती फिरती है, इनू संभाल लो, मेरा फोन दबा दो, मेनू कुछ नहीं चाहिए, कंप्लेंट लिख के दे के आओगे उन्होंने? हाँ मैं जावांगी। आप देख सकते हैं लगते थाने में जो है फोन की कंप्लेंट देने जरूर जाएंगे, मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर जरूर करें।